हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास टेंथ में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है अ सम ऑफ 700 रुपीज़। 700 रुपीज़ का जो सम है वो 7 कैश प्राइजेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। हर प्राइस की जो मतलब वैल्यू है वो पिछले प्राइस से 20 रुपीज़ कम होगी, तो बताइए हर प्राइस की वैल्यू क्या है। तो फर्स्ट प्राइस की वैल्यू लेट कर लेते हैं एक्स, तो अगला प्राइस जो होगा वो 20 रुपीज़ कम हो जाएगा, थर्ड प्राइस और 20 रुपीज़ कम हो जाएगा। तो सीक्वेंस बनेगा एक्स एक्स माइनस 20 एक्स माइनस 40 सो ऑन। तो पहला जो मतलब टर्म है वो एक्स हो गया, कॉमन डिफरेंस ए टू माइनस ए वन, तो एक्स माइनस 20 माइनस एक्स माइनस का 20 हो गया। टोटल 7 प्राइस है तो एन की वैल्यू 7 हो गई, टोटल सम 700 रुपीज़ है। Sn का फॉर्मूला आपके पास है, Sn की वैल्यू 700, 7 बाई 2, a की जगह x रख देंगे, 7 माइनस 1 6 और d की वैल्यू माइनस 20। तो 2 चला गया ऊपर, 7 चला गया नीचे, 2x माइनस 120। तो ये 200 इज इक्वल टू 2x माइनस 120 बन जाएगा। 2x शिफ्ट कर देंगे तो माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस 120 माइनस का 200, तो ये माइनस 320 है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो एक्स की वैल्यू 160 आ गई। तो फर्स्ट प्राइस आ गया 160 का। तो आगे 20 रुपीज़ कम करते चलें, 7 प्राइजेस आपने निकालने हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 16 डन हो गया। थैंक यू।